लाइक करिए हमारे वीडियो को एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और क्लिक कर दीजिए इस ऑल बटन ऑप्शन को ताकि मिल सके हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, रियलमी एक्स टी अपना फ़ोन लॉन्च कर दिया है इंडिया में। अब आने वाला है रियलमी एक्स टी 730G, इसका सक्सेसर फ़ोन है। तो आज के वीडियो में हम कंपेयर करेंगे इसको रेडमी नोट 8 प्रो से और पता लगाएंगे आपके लिए कौन सा फ़ोन दोनों में से बेस्ट रहेगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो बात करेंगे हम डिस्प्ले की तरफ से और बात करेंगे कैमरा एंड प्रोसेसर के बारे में, बात करेंगे रैम एंड स्टोरेज के बारे में, बात करेंगे बैटरी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बात करें हम डिस्प्ले की, डिस्प्ले आपको मिल जाएगा रियलमी एक्स टी 730G में 6.14 इंच का डिस्प्ले। और बात करें हम रेडमी नोट 8 प्रो में तो आपको यहाँ मिल जाएगा 6.53 इंच का डिस्प्ले। दोनों ही फ़ोन में आपको फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाएगा। और बात करें हम प्रोटेक्शन की तो आपको दोनों ही फ़ोन में गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और बात करें हम कैमरे की तो आपको मिल जाएगा क्वाड रियर कैमरा दोनों ही फ़ोन में। रियलमी एक्स टी में मिल जाएगा आपको, रियलमी एक्स टी 730G में आपको मिल जाएगा क्वाड रियर कैमरा, जो पहला होगा 64 मेगापिक्सल का और दूसरा होगा 8 मेगापिक्सल का, तीसरा होगा 2 मेगापिक्सल का, चौथा होगा 2 मेगापिक्सल का। और बात करें हम रेडमी नोट 8 प्रो की तो आपको मिल जाएगा क्वाड रियर कैमरा, जो कि पहला होगा 64 मेगापिक्सल का और दूसरा होगा 8 मेगापिक्सल का, दूसरा तीसरा होगा 2 मेगापिक्सल का, फिर चौथा होगा 2 मेगापिक्सल का। और बात करें हम फ्रंट कैमरे की तो आपको मिल जाएगा रियलमी एक्स टी 730G में फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का। और बात करें हम रेडमी नोट 8 प्रो की तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा फ्रंट कैमरा 20 मेगापिक्सल का। तो फ्रंट कैमरे के मामले में रेडमी नोट 8 प्रो आगे रहेगा। बात करें हम प्रोसेसर की तो आपको मिल जाएगा क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 730G, जो कि बहुत खास प्रोसेसर है। बात करें हम रेडमी नोट 8 प्रो की तो आपको मिल जाएगा मीडियाटेक का हेलियो G90T प्रोसेसर, जो कि ये भी अपने में बहुत ही अच्छा प्रोसेसर माना जाता है। बात करें हम रैम एंड स्टोरेज की तो आपको मिल जाएगा 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज रियलमी एक्स टी 730G में। और बात करें हम रेडमी नोट 8 प्रो में तो आपको यहाँ मिल जाएगा 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज रेडमी नोट 8 प्रो में। बात करें हम बैटरी की तो बैटरी आपको मिल जाएगी 4000mAh की बैटरी रेडमी रियलमी एक्स टी में 730G में आपको 4000mAh की बैटरी मिल जाएगी। और बात करें हम रेडमी नोट 8 प्रो की तो आपको यहाँ मिल जाएगा 4500mAh की बैटरी, जो कि दोनों ही फ़ोन फास्ट चार्जिंग में सपोर्ट करेगा। टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा दोनों ही फ़ोन में आपको, एंड्रॉयड 9 का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, एंड्रॉयड 9 Pie का दोनों ही फ़ोन में आपको, फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा दोनों ही फ़ोन में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा हमें कमेंट में कमेंट करें, किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट करें, उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाना ट्राई करेंगे। अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो में, तो नेक्स्ट डे।